बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार और एक प्रैक्टिकल बात यहां पर बोली गई है, जीवन में चुनौतियों से बचने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए या तो सामना करना सीख लो उनका या फिर हार मान लो। अगर आप लोगों ने सामना करना सीख लिया तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों नई नई चीजें आप लोग सीखना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग उन चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। आज कोई दिक्कत आ रही है लाइफ में तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सतर्क करेंगे और ये बोलेंगे अच्छा आज ये दिक्कत है, इसमें से क्या इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूं मैं, इसी तरीके से क्या आज कुछ नया सीख सकता हूं मैं। तो ऐसी ऐसी जो माइंड सेट आप लोगों का तैयार होना जाएगा तो ऐसी ऐसी जो दिक्कतें हैं वो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर ये चीजें आप लोगों ने एक बार पकड़ ली तो जिंदगी में आप लोगों को आप लोगों की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जब मंजिल पर पहुंचने की बात करें तो यहां पर एक और हमारे परिवार के सदस्य का मैंने अभी मेल देखा तो यहां पर इनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो कई सारे सिलेक्शन अभी रिसेंटली देखने को मिले। और एक डिफरेंट चीज मुझे ये देखने को मिल रही है कि हमारी फैमिली के जैसे भी परिवार के जो मेंबर है खासकर जो लड़के हैं उनके कईयों के सिलेक्शन अभी यहां पर देखने को मिले। इनके जो मेरे पास में मेल आ रहे हैं वो मैक्सिमम लड़कियों के हैं एज कंपेयर टू अगर लड़कों के देखें तो। देखिए ये भी एक अच्छी बात अगर आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छे से मेहनत की जा रही है लड़कियों के द्वारा भी इस लेवल पर आकर एक ऑफिसर की पोस्ट पर, इससे आगे आने वाली लाइफ जो होती है वो आसान हो जाती है। मैं खासकर यहां पर लड़कियों को इसलिए फोकस देकर बोल रहा हूं क्योंकि देखिए एक जो प्रेशर होता है ना शादी का वो लड़कियों के ऊपर काफी रहता है, यानी कि पढ़ने से पहले कि हाँ शादी कर लो ये वो सारी चीज ज्यादा चलती रहती है। लड़कों को फिर भी ये प्रेशर कम झेलना पड़ता है उनको, एक ज्यादा ही अगर एज हो जाए तो तब जाकर ये बात की जाती है कि हाँ आप शादी कर लो, वरना ये बड़ी ही प्रॉब्लम रहती है नॉर्मली लड़कियों में तो जैसे कि 18 19 20 से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी यहां पर ये अच्छा लग रहा है। यहां पर अभी एक और हमारी फैमिली मेंबर है जिनका नाम है श्रुति। देखिए अगर जो भी सिलेक्शन आप लोगों ने देखे अभी फिलहाल मैंने आप लोगों से 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूं सिलेक्शन, एक पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम वो सिलेक्शन हो रहे हैं जो लगभग 2017 से 2018 से रेगुलर चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो यही मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि हार नहीं माननी है। एक लेवल आप लोगों का ऐसा आ जाएगा जब एग्जाम का लेवल आप लोगों के सामने कम नजर आएगा, पर लेकिन उसके लिए आप लोग क्या करना है उसको आप लोगों को चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। यही बात बोली गई कि जो चुनौती है उसके सामने डटकर आप लोग खड़े रहना पड़ेगा। आप लोग क्या लगता है 2017 से यहां पर एग्जाम की तैयारी की और यहां पर 2021 में सिलेक्शन हो रहा है क्या कोई दिक्कत नहीं आई होगी सामने? तो बहुत सारी दिक्कत आई होगी, पर वो ये कि डेली रेगुलर अपना जो चीजें कर रहे हैं उसमें लगे रहे तो इस तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन पर एट द एंड ऑफ द डे पहुंच ही जाते हैं। और फिर से अच्छी बात यहां पर ये कि अभी ऐसा नहीं है कि यहां पर रुक गई हैं चीजें, आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ है लाइफ में जिसको आप लोग करते रहना है। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे इस तरीके से जब आप लोग मेल लिखते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है यार एक तरीके से कि हाँ कम से कम कि एक और फैमिली मेंबर का सिलेक्शन। और कई सारे बच्चे बोलेंगे सर डेली ऐसा एक सिलेक्शन शेयर किया करो, डेली तभी तो शेयर करूंगा जब आप लोग मेरे साथ में शेयर करोगे, बहुत सारे शेयर ही नहीं करते इवन कई सारे तो ये लिख देते हैं जैसे मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, अभी 2 मेल मैंने ऐसे पढ़े उसमें लिखा हुआ है सर बस आपको बता रहे हैं प्लीज शेयर मत करना इसको, जब यूपीएससी में सिलेक्शन होगा जब शेयर करना। तो यार चलिए सही है आप लोगों की जैसी भी इच्छा है मैं नहीं शेयर करूंगा, पर हाँ ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि किसी भी सिलेक्शन को छोटा मत मानिए, ठीक है? जहां पर भी आप लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का सपना होता है वो जॉब लेने का, तो इसलिए उसको छोटा मत मानिए, उससे भी बहुत सारे बच्चे जो है मोटिवेट होंगे, ठीक है? बाकी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा इसके बारे में एक आर्टिकल है डिस्कस करेंगे, काफी शानदार और माइंड ब्लोइंग सीरीज है यहाँ पर और साउथ की हीरोइन जो है काफी एक इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में। देख कुछ ऐसी सीरीज है जो मुझे लगता है कि मतलब कि कुछ एक अच्छा इनसाइड देंगी, कुछ चीजें अच्छी जानने को मिलेगी फैमिली के बीच में और किस तरीके से अपनी जॉब के बीच में एक बैलेंस बनाना है वो सारी चीजें सिखाएंगी, कई सारी चीजें एक पर्टिकुलर चीज से सीखने को मिलती है। तो उसकी लत मत डालिए, जैसे कि मैंने ये जैसे कि अगर बात करी सीरीज के बारे में तो जब जब मुझे टाइम मिला मैंने बीच बीच में इसके एपिसोड देखे, ऐसा नहीं कि बैठकर इसको एकदम खत्म कर दिया, ठीक है? तो आप लोग भी अगर कोई सीरीज देखते हैं तो उसको ये नहीं कि बैठकर एकदम खत्म कर दिया, जैसे आप लोगों को आज कोई लेक्चर देखना है आप लोगों, ठीक है? आप लोगों का टारगेट है कि आज लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर खत्म करने हैं, अगर लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर आप लोगों ने खत्म कर दिए, अगर लगकर आप लोगों ने 5-6 घंटे पढ़ाई कर दी तो फिर आप लोगों का हक बनता है कि आधा घंटा पौना घंटा बैठकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर आप लोग एक एपिसोड देख सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर लीजिए अगर आप लोग अच्छे से एक माइंड फ्रेश भी होता रहेगा और पढ़ाई भी होती रहेगी, तो ऐसे चीजों को लेकर चलिए तो अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है? तो काफी प्यारा काफी शानदार ये आज का काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ जानेंगे। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट कीजिए जो कि यहां पर अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों से जो पीआईबी वाली वीडियो आती है नैनो मैगजीन उसमें डिस्कस भी किया था। इंटरनेशनल एनर्जी के बारे में बात करें तो यहां पर जो नेट जीरो एमिशन है उसके लिए रोड मैप अभी देखने को मिला नेट जीरो, तो यहां पर कब तक का टारगेट रखा गया है जो नेट जीरो एमिशन की बात की जा रही है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेट जीरो एमिशन रोड मैप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। पर लेकिन कब तक का है यहां पर नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है? अगर 5 पेड़ आप लोगों ने काट दिए हैं तो 5 पेड़ लगाइए भी, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग रिलीज कर रहे हो उसको मुझसे हटाइए भी एनवायरमेंट से ताकि एमिशन जो है फाइनल एज पर जीरो रहे, ठीक है?
तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अच्छा मौसम चल रहा है, पेड़ लगाने की जब बात की गई तो इसी तरीके से आप लोगों को लगे रहना है यार। इस मौसम में अगर पेड़ लगाओगे ना तो काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो जल्दी बिना पानी दिए होते हुए नजर आएंगे क्योंकि बारिश का मौसम भी देखने को मिल रहा है। टैग जरूर कीजिए अगर कोई ऐसा पेड़ लगाते हैं आप लोग, हैशटैग SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री करके आप लोग हैशटैग यूज कर सकते हैं और देखिएगा सर्च करके बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जहां पर भी आप लोग यूज करते हैं तो हैशटैग SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, तो ये आप लोग जरूर उसके साथ में शेयर कीजिए। बाकी मैं भी आप लोगों की जो भी ये चीजें होती हैं शेयर करते रहता हूँ, जैसे ट्विटर पर आप लोगों ने देखा होगा या इंस्टाग्राम में स्टोरी में यूट्यूब की स्टोरी में, तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए इन चीजों को, अच्छे से अपने एरिया में लोकल एरिया में पेड़ लगाइए, काफी फायदा देखने को मिलेगा। आइए अब बात करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे देखने को मिली, इसके साथ में लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर क्या हुआ, बेसिकली एक सीक्रेट लव स्टोरी सामने निकल कर आई। था क्या इस सीक्रेट लव स्टोरी में, केरला के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसने अपने जो उसका पार्टनर था, बेसिकली एक लड़की थी जिसके साथ में उसने बेसिकली उसको नहीं कि हाँ से उसको भगा के ले आया, ठीक है। तो 11 साल तक यहां पर एक घर में उसको रखा और किसी को पता ही नहीं चला। शाम दाम दन भेद ऐसे लगाए कि यहां पर लोग जो है वो हैरान है अब सुनकर यहां पर इस स्टोरी को। उसके जब भी घर से बाहर जाता था तो अपना घर का ताला लगा कर जाता था, अब इसके साथ में घर के जो गेट थे उसमें बिजली का करंट छोड़ रखा था, अगर कोई उसको आकर टच करेगा तो उसको झटका लगेगा, पता ही नहीं किसी को कि अंदर क्या चल रहा है। 11 साल बाद यहां पर ये लव स्टोरी जो है वो सामने निकल कर आई। तो ये देखिए मतलब एक किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं, अगर आप लोगों को बोला जाए कि इसको इस स्टोरी को आप लोग कैसे देखेंगे, ये एक कैसी स्टोरी है। जब खाना लेने जाता था तो रात के अंधेरे में यहाँ पर कुछ ऐसा जो भी बाहर से सामान लेने जाना है, अगर उसको बाहर भी घुमाने लेके जाना है तो अंधेरे में टाइट एक तरीके से नहीं बिल्कुल एक सीक्रेसी रखते हुए ताकि किसी को पता ना चले, और जिसको भगा के लेके आया वो भी कुछ उन्होंने दो चार मोहल्ले छोड़कर ही वहां से भगा के लेकर आया और पूरी 11 साल बिता दी। तो पुलिस के सामने अभी यहाँ पर ये केस निकल गया। तो एक ये इस तरीके की चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई। अगर 11 साल तक इतनी मेहनत की, अगर थोड़ी सी और मेहनत करके स्टार्टिंग में ही कोई एग्जाम निकाल लेता तो घर वाले आराम से शादी कर देते, इतनी चीजें क्या करने की जरूरत थी। तो देखिए इंसान जो है ना एक ऑल्टरनेटिव ऐसा रूट ढूंढता है जो उसको आसान लगता है, पर लेकिन वो आसान ना बहुत ज्यादा टफ बन जाता है आगे चलकर। अभी ऐसे कई सारे आप लोगों ने देखा होगा जिंदगी में, कई सारे ऐसे लोग हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं पर शादी नहीं हो पा रही, जॉब नहीं है, कोई और रीजन है, पर लेकिन अगर थोड़ी मेहनत कर अपने करियर को आप लोग बना लो तो यार कौन नहीं चाहेगा बाप अपनी बेटी एक ऐसे इंसान को देना जो कि एक आज के डेट में सक्सेस है, को अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये लड़की के लिए भी है, किसी के पास में अगर जाना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में शादी करनी है तो आप लोग भी अपना ऐसा लेवल बना लीजिए, जैसे अभी मैं सिलेक्शन की बातें आप लोगों से कर रहा हूं तो कम से कम ऐसा लेवल बना लीजिए कल को चलकर सामने वाले के भी आप लोगों को एक पार्टनर मिले, ना कि आप लोग ऐसा लगे कि यहां पर इसका सबॉर्डिनेट बन के रहना है, ठीक है। तो ये जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए तो काफी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी एक दुर्घटना यहां पर देखने को मिली, ये है मुंबई का जो मलाड एरिया है, ये यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में अभी एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और एक बड़ी दुर्घटना निकलकर सामने आई जिसमें 8 लोग और 8 बच्चे यानी कि 16 के करीब इंसानों की जान चली गई। सोचने वाली बात है यहां पर, अगर ऐसे एरिया में जहां पर जो लोग आज के डेट में रह रहे हैं, जहां पर जर्जर हालत हो चुकी है बिल्डिंग की, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो कम से कम यहां पर ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अवेयर रहना चाहिए, ये वो बेसिकली ये जान जाती है जिनको बचाया जा सकता था। तो ये कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं यहां पर, कई सारी ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि जर्जर हालत में रहती है, लोग किसी न किसी रीजन की वजह से कई सारे किराए पर भी रहते हैं ऐसी जगह पर भी। तो ये सारी चीजें थोड़ा चेक करने वाली है, जिसके बारे में बातें करनी चाहिए और इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे तो हम लोगों का टारगेट है 2022 तक सबको घर प्रोवाइड कराना, पर लेकिन जो ऑलरेडी रह रहे हैं वो भी अप टू द मार्क चीजों में नहीं रह रहे, तो किस तरीके की कंडीशन है ये अंडरस्टैंड करने वाली है। आगे अगर बात करें, आप लोगों को बताएं अभी कई सारे बच्चे जो ट्विटर पर प्रोटेस्ट चला रहे हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी पोस्ट पड़ी हुई हैं जिनमें अब तक अभी यहां पर ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई है, बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कई सारे एग्जाम टाइम टू टाइम कैंसिल होते रहते हैं, उनमें जो धांधलेबाजी चलती रहती है। तो अभी जो यहां पर इलेक्शन का मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो जहां जहां पर भी 2022 में इलेक्शन है वहां वहां पर अब आप लोग काफी सारी पोस्ट निकलती हुई नजर आएंगी। अगर इन राज्य से आप लोग हैं जहां पर इलेक्शन अभी होने वाले हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कई सारे एग्जाम अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलने वाले हैं। ये पॉलिटिशियन का हथकंडा होता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं पर इलेक्शन होंगे तो वहां पर तब जाकर दबाकर पोस्ट निकाली जाती है और उसके लिए वेट करना पड़ता है एस्पायरेंट को, कई सारी की एज निकल जाती है वेट करते करते, पर लेकिन वही है पॉलिटिक्स अपनी जगह, बाकी क्या किया जा सकता है। यहां पर पंजाब के अंदर भी लीडरशिप को लेकर चीजें आगे बढ़ रही हैं और नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं, जो रस्सा कसी चल रही है पंजाब की गवर्नमेंट के साथ में,
क्या उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा तो देखेंगे। अभी बिहार के अंदर कोविड 19 से रिलेटेड काफी जो केसेस हैं उनमें जंप अभी देखने को मिला, तो एकदम यहां पर जब रिकाउंट किया जा रहा है चीजों को तो कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। अभी आप लोगों ने कई सारी ऐसी रिपोर्ट देखी होगी, कई सारे जर्नलिस्ट जो थे यहां पर अलग जो है डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं और गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा जो है वो अलग डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि दोनों डेटा में मिसमैच देखने को मिलता था। रीजन ये था कि यहां पर गवर्नमेंट जो है कम डेटा प्रस्तुत कर रही थी, ये बोला गया कई सारे जर्नलिस्ट के द्वारा। उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया कि अगर जो आज के में किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर 500 केस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट बता रही है यहां पर कि यहां पर ओनली 50 के करीब केस हुए हैं, ताकि लोगों के अंदर अफरा तफरी न देखने को मिले। पर लेकिन डेटा छिपाना दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, जनता को बताइए ताकि और ज्यादा सतर्क जनता रह सके, तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। एक यहां पर उड़ीसा के अंदर से ये एक बड़ी ही डिफरेंट सी खबर निकल कर आ रही है। बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया, मान लीजिए आप लोगों को पता चले यहां पर आप एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर हैं, तो एथिक्स के अंदर आप लोगों से यहां पर एक पर्टिकुलर केस स्टडी दी जा सकती है कि कोविड 19 की दवाई प्रोवाइड कराने के लिए आप लोगों ने पर्टिकुलरली वनरेबल कोई ट्राइबल कम्युनिटी का जो ग्रुप था उसके लिए आप लोगों ने एक मुहिम चलाई, ठीक है। तो वहां पर पता चला कि जब आप लोग दवाई लेने गए, दवाई लेकर गए लोगों को दवाई देने, तो पूरा गांव जो है वो सपाचट हो गया। उनको मन में कुछ ऐसी खबर बैठी हुई है कि ये दवाई जो है, जैसे सुना है कई सारे लोगों ने कि 2 साल बाद यहां पर लोगों की जान चली जाएगी जिसने दवाई ले ली, तो ऐसी भ्रांतियां सोशल मीडिया पर कई बार वायरल होती पाई जाती है। तो ये सारी जो इस तरीके की चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रेशर डालती है कि वो आगे कैसे लेकर चले। तो एक अवेयरनेस कंपेन यहां पर होना चाहिए, खासकर स्कूल के अंदर। इसी के साथ में रेडियो के ऊपर ऑल इंडिया रेडियो जैसे सीरीज चलती है यहां पर, इसी के साथ में जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, इसी के साथ में जो लोकल एनजीओ वगैरह है उनकी हेल्प से आप लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम चला सकते हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए जिससे कि ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिले। तो 100 के करीब डोज यहां पर देने थे जो 45 साल से ऊपर के, पर लेकिन यहां पर कोई भी देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एथिक्स के अंदर, तो आप लोग इसका आंसर थोड़ा सोचेगा जिस तरीके से मैंने बातें बताई कि अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है। बाकी यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है यहां पर बेसिकली कॉन्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है। और अगर आप लोग जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस राज्य में अगर कोई पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। रीजन क्या है यहां पर इसके बारे में पढ़ने का, आखिर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर आप लोग इसको समझेंगे थोड़ा सा, तो आप लोगों से क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन के आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कई सारे जो बच्चे हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा यार पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताता हूं। जैसे नॉर्मल ट्राइबल ग्रुप है, एक तो वो नॉर्मल ट्राइबल ग्रुप हो गया जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके भी अंदर और ज्यादा पिछड़ा हुआ जो कि कुछ भी नहीं जानता है आज की डेट में भी, उन्हें कहते हैं कि आज के डेट में भी आदिवासी जिंदगी ऐसी जी रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि देश आजाद हो गया, उनको ये नहीं पता कि हमारा संविधान नाम की भी कोई चीज है, उनको ये नहीं पता कि अभी यहां पर 5G टेक्नोलॉजी आने वाला है, तो वो अपना पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, प्री एग्रीकल्चर जो एक प्रैक्टिस है वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में 1960s में एक कमीशन बनाया गया, जो याद रखेगा इसको बोला गया यहां पर देबोर कमीशन, ठीक है। तो देबोर कमीशन जो बनाया गया इसके द्वारा बोला गया कि हमको ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप निकालना पड़ेगा, उनके ऊपर अलग से फोकस देना पड़ेगा क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है यहां पर इन सब चीजों की। तो इसी के चलते यहां पर अगर कहीं पर भी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात आती है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन एक प्यारा सा जो आप लोगों को बताना है, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप होता है, आप लोगों को यह बताना है कि सबसे ज्यादा जो पीबीटीजी है वो किस पर्टिकुलर राज्य में पाए जाते हैं। तो यह है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर किसी को आप लोग कोई ऐसी पिक्चर दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि हम लोग 1947 में आजाद हो चुके थे और आज के टाइम में ये कंडीशन देखने को मिल रही है, और वो भी कहां पर, आप लोगों को ये दिल्ली वाले एरिया में देखने को मिलेगी। तो दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो पाइपलाइन यहां पर देखने को मिलती है उसमें से लीकेज हो रहा है, और उस लीकेज का यूज करके जो यहां पर पर्टिकुलर लोकल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पीने का पानी या फिर कपड़े धोने का काम, ये सारे काम यहां पर किए जा रहे हैं। तो ये आज की डेट में भी अगर ऐसी कोई पिक्चर सामने निकल कर आती है तो वो बात करती है कि आज के दिन में हम लोग 75वीं सालगिरह आजादी की सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इस टाइम पर भी हम लोग किस तरीके की कंडीशन में रह रहे हैं, तो ये वाला ये मुद्दा सामने निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आज के डेट में इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए, इन चीजों से कम थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। यही चीजें आज के डेट में भी हमारे सामने बार बार निकल कर आ रही है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर बात करनी चाहिए, खासकर कि जो चीजें सिचुएशन अभी ग्राउंड लेवल पर बनी हुई है इसको कैसे टैकल किया जाना है, तो ये सारी बातें हैं। और हाँ, 75वीं सालगिरह आजादी की याद आई तो एक छोटी सी न्यूज मुझे याद आ गई जो मैंने कल ही शाम आप लोगों को डिस्कस की थी अपनी जो नैनो मैगजीन वाली जो सीरीज आती है हमारी, उसके अंदर में हम लोगों ने बात की थी YUVA के बारे में। ये क्या है, इसको बोलते हैं यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर।
यानी कि अभी हमारी कंट्री में जो 75वीं सालगिरह आजादी की सेलिब्रेट की जानी है उसके चलते जिसको आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग बोलते हैं, अभी यहां पर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि 75 ऐसे लोग, 75 ऐसे जो स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हैं जिनकी एज 30 साल से नीचे है, वो यहां पर हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ लिखते हैं उन लोगों के बारे में जिनको हिस्ट्री में ज्यादा जाना पहचाना नहीं गया, यानी कि जिनकी ज्यादा बातें नहीं की गई है, अगर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी रिसर्च स्टडी कर अपनी एक किताब पब्लिश करते हैं, छोटी सी किताब अगर वो सामने लेकर आते हैं, तो 75 लोगों को यहां पर उसके अंदर चूज, इनके सेलेक्ट किया जाएगा, चूज किया जाएगा, और ये जो 75 लोग होंगे इनको फिर अनाउंस किया जाएगा यहां पर जो भी यहां पर विनर होंगे। और इसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं www.mygov.in उस पर जाकर आप लोग यहां पर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन यहां पर हो जाता है, 75 लोगों में आप लोगों का भी नाम अगर आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि 50,000 रुपए आप लोगों को 6 महीने तक देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 3,00,000 रुपए आप लोगों को यहां पर प्राइज मनी मिलेगी। और इसी के साथ में आप लोगों की जो बुक होगी वो पब्लिश की जाएगी किसके द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा वो पब्लिश की जाएगी, यानी कि पब्लिकेशन का भी आप लोगों को कोई खर्चा नहीं उठाना है, सब कुछ यहां पर गवर्नमेंट करेगी। तो बैठे बैठे आप लोग एक तरीके से स्टार बन जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है तो अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आप लोग लेकर चल रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में पैसा का पैसा आ जाएगा, इसको आप लोग अपनी एजुकेशन के लिए जहां पर भी लगता है जो आपकी जो दिक्कतें हैं उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। और किताब पब्लिश हो जाएगी बैठे बैठे, आगे चलकर अगर आप लोग ये इस तरीके के बुक ऑथर भी बनना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग काफी सपोर्ट मिलेगा। तो ये उनके लिए है कुछ जिसकी एस्पिरेशन ऐसी है, तो आप लोग इसमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली मेंबर, सेलिब्रिटी फैमिली मेंबर यहां पर काम करता चाहते हैं इसमें, तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग अगर कोई बड़ा भाई या फिर कोई ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलर इस हिस्ट्री ऑप्शन के साथ में पढ़ाए या फिर ऐसी चीजें उससे डिस्कस कीजिएगा। अगर 30 साल के अंदर आपकी एज है तो इसमें मेरे हिसाब से तो आप लोगों को पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है, इसको भुनाइएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस भी किया था कि नेशनल बुक ट्रस्ट यहां पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, यहां पर ये बोला जा रहा है राज्य को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो भी वैक्सीन का जो स्टॉक बचा हुआ है उसको पब्लिक में मत बताइए, यानी कि दवाइयां इतनी बची हुई, इतनी बची हैं। ये यार आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सही कर रही है यहां पर या फिर नहीं? क्योंकि अगर लोगों को पता होगा कि दवाई कितनी बची है तो तभी तो वो अवेयर रहेंगे, उनसे छुपाना बात क्या सही चीज है यहां पर। ये तो बोला गया यहां पर जो आप आदमी के जो लीडर उनके द्वारा बोला गया कि ये उनका राइट है, उनको पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक बचा हुआ है ताकि उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया सबको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे, पर लेकिन स्टॉक वहां पर पहुंच नहीं रहा प्रॉपर वे में, तो उसके चलते ऐसी बातें देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसी चीजें छुपानी चाहिए या फिर नहीं, आप लोगों की क्या राय है? बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप लोगों से कई बार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो इनका नाम है, इनका नाम है यहां पर बुद्धादेव दास गुप्ता, ठीक है। तो रिसेंटली अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनके द्वारा कई सारी मूवीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है, जिसके अंदर फेरा और भी कई सारी मूवीज है यहां पर, और इनको 12 नेशनल अवार्ड यहां पर मिल चुके हैं, कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया। तो पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो उनके साथ में आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं। आगे अगर बात की जाए महाराष्ट्र के अंदर, यहां पर बेसिकली जो पेड़ कट रहे थे उनको रोकने के लिए और अच्छे से हेरिटेज को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है डेवलपमेंट के साथ में, तो यहां पर इसके साथ में इंटरेस्ट फ्री जो क्रॉप लोन की बात की जा रही है 3,00,000 तक का, और 2% एडिशनल कंसेशन भी और यहां पर दिया जा रहा है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करें यहां पर अभी बात की जा रही है कि अगर आप लोग कोई स्टार्टअप यानी कोई नया काम अगर आप लोग आज के में स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप की फॉर्म में, और ये जो पर्टिकुलर वर्क जो आप लोग हैं यहां पर, तो गवर्नमेंट यहां पर आप लोगों को सपोर्ट करेगी अगर आप लोग यहां पर इसके अंदर जीत जाते हैं, यानी कि एक तरीके से जो यंग इनोवेटिव माइंड एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनना चाहता है बिजनेसमैन, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर की जा रही है। तो इस तरीके से अच्छी चीज आप लोग देखते हैं। और बाकी मौसम आप लोगों ने कल देख लिया, ये जो मौसम है यहां पर यह है मरीन ड्राइव जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा चर्च गेट मुंबई, कई सारी मूवीज में आप लोगों ने यहां पर देखा होगा इसके बारे में चीजें दिखाई जाती हैं। आगे बात करें यहां पर अभी रिसेंटली बात की जा रही है एक एमपी जो कि यहां पर एमपी थे जो सीपीआई के, तो उनको यहां पर एंट्री करने से मना कर दिया गया, जिसके चलते यहां पर अभी ये फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहां पर जो लक्षद्वीप का वो न्यूज में आ गए यहां पर ये, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी लक्षद्वीप के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, तो उसके चलते बार बार यहां पर ये कंट्रोवर्सी सामने निकलकर आ रही है। तो यहां पर अगर कोई एंट्री कर जाकर देखना भी चाहता है तो उनको भी कई बार अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो ये दिक्कत है यहां पर।
नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो कलेक्टर उनके द्वारा बताया गया कि कोई भी भुखमरी का रीजन नहीं है, हम लोग सफिशियंट फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। कई सारी ऐसी भी न्यूज निकल कर आ रही थी कि लक्षद्वीप के अंदर जो है प्रोटेस्ट करने वाले और कई सारे जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, कहीं पर लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। तो वो सारी बातें यहाँ पर कलेक्टर साहब के द्वारा बोली गई कि यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये सफिशियंट यहाँ पर चीजें। बाकी अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में क्या बताया जा सकता है, क्योंकि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। आगे बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री के लिए थोड़ी डिफरेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली अफगानिस्तान के अंदर जब भी शांति बनाए रखने की बात की जाती है तो हमारी कंट्री का नाम भी कई बार आता है, तो हम लोग तालिबान के साथ में अब तक अपने रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, पर लेकिन अब हम लोग आगे ऐसा हिंट दे रहे हैं कि तालिबान के साथ में हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आगे चलकर अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आता है, अगर क्या तालिबान आएगा ही आएगा, जिस तरीके की कंडीशन बनी है, यूएस से छोड़कर निकल रहे हैं, सारी पावर तालिबान के हाथ में, तो इस तरीके से सिचुएशन ये बनती है कि कैसे बैलेंस बनाकर चलना है पड़ोसी के साथ में, तो वो बातें हैं यहां पर। बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बाहर जाकर उनको दवाइयां सबसे पहले अभी प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि 14 जून से उनको यहां पर अभी जो स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड कराया जा सके, तो उसके चलते एक अलग काम चल रहा है यहां पर, क्योंकि जब तक प्रॉपर वे में पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको दवाई नहीं मिलेगी तो फिर कंट्री में उसको जिस कंट्री में पढ़ाई के लिए जाना है उसको अलाउ भी नहीं किया जाएगा, तो इसलिए एक अलग स्टेप उठाकर चला जा रहा है। आगे बात करें यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो अगर एनालाइज करना चाहती है व्हाट्सएप चैट को तो वहां पर कर सकती है, यहाँ पर यानी कि उनको अलाउ किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के यहाँ पर बात की जाए, उसने हाई कोर्ट को बताया यहाँ पर, तो रीजन क्या, देखिए कई बार कई सारी उल्टी सीधी हरकतें व्हाट्सएप पर की जाती हैं, उनको शेयर किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर, और उसकी वजह से अगर सोसाइटी में कुछ गलत चीजें देखने को मिल रही है तो ये जरूरी है कि इन सब चीजों को चेक किया जाए, पर लेकिन ये नहीं कि पब्लिक को सर्विलेंस किया जा रहा है, पब्लिक की प्राइवेट चैट जो है वो चेक की जा रही है, तो वो थोड़ा गलत चीजें देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात की जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अगर बात करें उस पर इस्लामोफोबिया, यानी कि एक पर्टिकुलर जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप है उसने कुछ गलत हरकत की और पता चला वो जो है बेसिकली इस्लाम धर्म को बेस बनाकर वो काम कर रहे हैं, तो ये आप लोग अगर कभी भी कहीं भी कुछ भी लिखने के लिए आए तो ये जरूर याद रखेगा, किसी भी रिलीजन को आप लोग टेररिज्म के साथ में कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आप लोग कभी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक रिलीजन में हर एक तरीके के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर ही लोग देखने को मिलेंगे। हाँ ये अलग बात है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में लोगों को ज्यादा गुमराह किया जा सकता है, ये बात आप लोग बस बोल रहे हैं बोल सकते हैं यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि रिलीजन, क्योंकि उसी रिलीजन में अच्छे लोग भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर बात करें इस्लाम के नाम पर तो एपीजे अब्दुल कलाम सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक मुस्लिम थे, तो उसको इस तरीके से हर एक इंसान हर एक मुस्लिम को आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये हर एक मुस्लिम टेररिस्ट हो गया, वो एक अलग बात है कि इस्लाम का नाम लेकर यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो बोला गया कि इस्लामोफोबिया, इस्लाम के नाम पर कोई फोबिया फैलाने वाला कोई कंटेंट है अगर ऑनलाइन तो उसको हटाना पड़ेगा, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है और सीबीआई वगैरह इन सबको इनके चलते यहां पर चीजों को करना चाहिए। तो ऐसी एक प्ली पहुंची यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकलकर यहां पर आता है। जो बाइडन साहब जो है ये यहां पर एंजॉय कर रहे हैं यहां पर इसी के साथ में बोरिस जॉनसन साहब, तो इसमें बात यह की जा रही है कि इनके द्वारा बोला गया कि जो यूएसए वो डोनेट करेगा 500 मिलियन के करीब डोज, यानी कि 500 मिलियन के करीब जो डोज है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे अलग अलग कंट्रीज में, खासकर जो 92 ऐसी कंट्रीज है जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्री है, अफ्रीकन यूनियन के अंदर काफी लार्ज स्केल पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, इन्होंने 92 कंट्री के बारे में बात की, ठीक है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से अफ्रीकन यूनियन के अंदर टोटल कितनी कंट्री है तो आप लोगों को पता है, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर बात करें तो 27 कंट्री है, ठीक है, आसियान के अंदर बात करें तो टोटल 10 कंट्री है, तो अफ्रीकन यूनियन के अंदर टोटल कितनी कंट्री है पता है आप लोगों, जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं यहां पर आंग सान सू की, जिनको म्यांमार के अंदर फिलहाल अभी काफी करप्शन के चार्ज लगाकर पता नहीं क्या क्या जेल में डाला हुआ है, अभी यहां पर जो मिलिट्री लीडर है वो यहां पर पावर में है, एक सिविलियन गवर्नमेंट को तख्ता पलटकर यहां पर एक साइड में फेंक रखा है, और इनको यहां पर नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, पीस और शांति बनाए रखने के लिए, तो फिर से अभी कंडीशन जो है खराब है, तो इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए गए, इनके ऊपर मिस यूजिंग एक तरीके से कि अथॉरिटी का मिस यूज किया गया, ब्राइब वगैरह ली गई, चार्ज लगाए जा रहे हैं मिलिट्री के द्वारा, तो यहां पर क्योंकि ये काफी एक यानी कि रिनाउंड लीडर है जो कि आगे चलकर अगर बात करें तो जनता इनको काफी अच्छे सपोर्ट कर सकती है, तो उन सब चीजों से साइड में होते हैं मिलिट्री अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही है। इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है तो किस ईयर में मिला था ये आप लोग बताइए। आगे बात करें यहां पर जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट हुआ है कि जो कि इंडिया में काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रहा है, यहां पर अगर बात करें B16172 तो अभी इसके बारे में अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि ये यूरोप के अंदर भी ये वेरिएंट जो है ये यूरोप के अंदर भी एक अच्छी पकड़ बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। ये जो वेरिएंट है इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर शेयर भी किया था,
तो अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं इनको आप लोग देखा कीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अल्फा है यूके का, बीटा है साउथ अफ्रीका का, गामा है यहाँ पर ये भी साउथ अफ्रीका का देखने को मिलेगा, डेल्टा और जो कप्पा है यहाँ पर ये इंडिया का है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें अगर ये यहाँ पर इप्सिलन ये यहाँ पर यूएसए का है, लोटा यूएसए का है, जीटा ये ब्राजील का है और थीटा फिलिपिन का है। तो ये अलग अलग वेरिएंट के नाम यहाँ पर दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि इस कंट्री के हैं, इसका मतलब है कि इस कंट्री पर ये इंपैक्ट डाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है जो मुझे यहाँ पर लगी हो, पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी यार, मतलब चाइना का कोई वेरिएंट ही नहीं है यहाँ पर, मतलब जो दुनिया को ये सारी चीजें देकर चला गया वो अलग से बैठा हुआ लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसको कोई वेरिएंट ही नहीं है। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 12 जून यानी कि कल के दिन, तो यहाँ पर पता चलेगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में कि क्या जो टैक्स लगाया जा रहा है यहाँ पर वो टैक्स हटाया जाएगा, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया या कोविड-19 की दवाई है, तो जीएसटी जो है यहाँ पर 5% जीएसटी यहाँ पर लगाया जा रहा है डोमेस्टिकली मेड जो ऑक्सीजन दवाई है, ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह है, कोविड-19 की ड्रग और ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है उन पर 12% देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये 12-5% का टैक्स कुछ समय के लिए हटाया जाएगा, तो इसके बारे में कल पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पूजा के बारे में, तो पूजा रानी एक बॉक्सर हमारी कंट्री की, ये तैयार है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए और शानदार परफॉर्मेंस इनकी रिसेंटली अभी देखने को मिली, तो इनके द्वारा काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस देखने को मिली यहाँ पर 75 kg की कैटेगरी में यहाँ पर ये, तो रिसेंटली यहाँ पर इनके द्वारा काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कई बार इस तरीके से कि पर्टिकुलर जो पर्सन है किस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है, तो जो न्यूज में है तो थोड़ा सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। बाकी एक और बॉक्सर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जिनका नाम था धिंको सिंह, तो ये अभी हमारे बीच में नहीं रहे, 1998 में एशियन गेम में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। इसी के साथ में प्री क्वालिफाई में यहां पर ये ओलंपिक सिडनी में भी पहुंचे, ठीक है, अर्जुन अवार्ड मिला 1998 में, पद्म श्री मिला 2013 में, पर लेकिन अब हमारे बीच में ये नहीं रहे, तो एक दुखद घटना है। तो एग्जाम में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, ठीक है। आइए अब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, और एडिटोरियल के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने होगा, कई सारे बच्चे शानदार तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से आंसर राइटिंग आप लोग करती रहने हैं, ठीक है। दो आर्टिकल, एक तो ये वाला और ये वाला आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल आप लोगों को कंबाइन करके डिस्कस करूंगा बेसिकली। ये अभी बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, जो वेस्ट बंगाल के अंदर रस्सागसी देखने को मिल रही है सेंटर की, और यहां पर जो अगर जो आईएएस ऑफिसर है, मान लीजिए कल को चलकर आप लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो आप लोगों को कितनी डिस्टेंस बनाकर रखनी है दोनों से, सेंटर से और स्टेट से, क्या क्या आप लोग स्टेप उठा सकते हैं, तो कुछ ये भी बातें करेंगे। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही है, वैसे भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी यहां पर अगर बात करें ये जो साइड में ये बड़ा आर्टिकल है यहाँ पर, ये कोविड-19 के बारे में बात कर रहा है, और बात भी क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला कि काफी अच्छा गाना लगता है पंछी नदियां फोन के झोंके कोई सरहद ना उन्हें रोके, ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से बात करें कोविड-19 एक वायरस जो है आज के दिन में उसके ऊपर ये गाना आप लोग बैठा सकते हैं, कोविड-19 है ऐसा कि इसको कोई सरहद न रोके। तो आज की डेट में जो कोविड-19 के नाम पर अगर आप लोग बात करिए, देखिए कहीं पर भी किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी रिलीजन के अंदर, किसी भी कास्ट के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी सेक्स यानी कि मेल फीमेल या फिर कोई बच्चा बच्ची कोई भी हो, ये किसी को नहीं एक तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो जो बाउंड्री हम लोग बोलते थे ना, तो कोविड-19 ने बाउंड्री लेस वर्ल्ड बना दिया है, यानी कि एक ऐसा दुनिया बना दिया है जिसमें कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो एक ऐसी दुनिया को ये सामने लेकर कोविड-19 चल रहा है। तो एक तरीके से यहां पर यही बातें बताई गई कि आज की डेट में इतने डिवाइडेड वर्ल्ड में, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक कंट्री के अंदर डिवीजन देखने को मिल जाता है और अलग अलग कंट्री के अंदर डिवीजन देखने को मिल जाता है, मेरा एरिया तेरे एरिया के ऊपर बारे में यहां पर लड़ाई चलती रहती है। अगर बात करें यहां पर पैलेस्टीन के अंदर अभी लड़ाई चल रही है अपने एरिया को लेकर, जिनोफोबिया लोगों के अंदर रहता है, जिनोफोबिया मतलब एक तरीके से एक ऐसे अपरिचित आदमी के नाम से डर रहता है, तो कोविड-19 ने सबको परिचित करा दिया है। तो अगर कहीं पर भी आप लोग चले जाइए कोविड-19 की बात आप लोग होती नजर आएगी। आज का सबसे बड़ा स्टार होने के कि आज का बादशाह कौन, तो है कोविड-19। तो वो सारी बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से हम लोग एक डिवाइडेड वर्ल्ड में रहते हैं, कोविड-19 ने इकट्ठा कर दिया। क्लाइमेट चेंज पर हम लोग इतने अच्छे से सामने मिलकर नहीं आए, पर कोविड-19 पर सब साथ में आ रहे हैं मिलकर, क्योंकि अब जान है तो जान है वो वाली बात आ गई है। तो यही बातें बताई गई कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि पीस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम हम लोग को एक नई डायरेक्शन देती है, कुछ नया सिखा के जाती है, तो वो चीजें हम लोग को थोड़ी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं बस, हाँ कि यह है कि आप लोगों को पता रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा, फिर भी अगर थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखेगा इसके बारे में तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सजेशन आप लोग यहां पर दे सकते हैं, जैसे जिस तरीके से हम लोग एक यूट हो रहे हैं हम लोग कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए, इसी तरीके से एकजुट हम लोग हो सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है, इसी तरीके से एकजुट हम लोग हो सकते हैं जैसे कि टेररिज्म को लेकर। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं अगर इस तरीके से बात करें। अफ्रीका के अंदर जो साहेल रीजन है उसके बारे में बात की जा रही है, ये जो रीजन है क्यों न्यूज में, अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है।
ये जो मैंने आप लोगों को दिखा था ना स्टार्टिंग में कि हाँ जो द फैमिली मैन वाला, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज है। जानेंगे आखिर क्यों यहाँ पर ये न्यूज में आ रखी है, आखिर क्या ऐसी चीज देखने को मिलगी। तो यहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके लिए कुछ प्रोविजन में चेंज किया गया जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे से क्या क्या बातें चल रही है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ना, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो उस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूंगा तो इसको भी बता दूंगा। अभी नेचर के बारे में बात की जा रही है, काफी सारी चीज देखने को मिल रही है, तो कैसे उसके बीच में बैलेंस बनाकर चला जाना चाहिए, तो ये बातें हैं। ये कार्टून आप लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर है सपोर्ट में और कुछ यहाँ पर है सपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 40 से 50 शब्द में आप लोग इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोग अगर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, और कई बार सेंट्रल स्टेट के बीच में किस तरीके से फंस के रह जाते हैं यहाँ पर आईएएस ऑफिसर, तो वो भी बातें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा। आखिर ये न्यूज में किस लिए है, पहले तो आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर बाकी की चीजें यहाँ पर आगे बताएंगे। देखिए हुआ क्या, अभी सेंटर में जब यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए, तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुए तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट जीत कराई वो आई ममता बनर्जी जी की। तो वो जो गवर्नमेंट यहाँ पर जीत कराई वो यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये माना जा रहा है कि उसको पचा नहीं पा रही है, यानी कि उनके द्वारा शाम दाम दंड भेद लगाए गए जीतने के लिए, पर लेकिन वो वहां पर हार गए। तो इसके चलते अभी चीजें क्या देखने को मिल रही है, अगर कुछ भी उनको मौका मिल रहा है तो सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट पर। तो उसके चलते सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बात करते हैं अभी चल क्या रहा है बेसिकली उसके बारे में। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, इनके बारे में याद रखिएगा, ये फॉर्मर जो चीफ सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल के, क्योंकि इनके द्वारा अपना रिजिग्नेशन दे दिया गया अभी जब इशू ज्यादा बढ़ गया, तो इनका नाम है यहाँ पर अल्पन बंदोपाध्याय। तो अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिली अभी इनके बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों इतना ये कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए, और इसी के चलते किस तरीके से सेंट्रल स्टेट में रिलेशन होना चाहिए, फेडरल एक सिस्टम कैसे चलना चाहिए, संघवाद का ढांचा कैसे चलना चाहिए, और ये आगे चलकर भी क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर बात करें तो एक संघवाद का ढांचा फॉलो करने की बात की जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर, पर लेकिन उसके चलते क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ढंग से जो पॉलिटी आप लोगों ने अगर देखी हो, तो उसमें बात की जाती है हमारी कंट्री में कि इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि हमारी कंट्री में एक तरीके से सारे जो स्टेट हैं वो इकट्ठे मिलकर एक जगह है, पर लेकिन आप लोग ये नहीं बोल सकते कि जो स्टेट है वो यहां पर सबोर्डिनेट है यूनियन के, यानी कि ऐसा नहीं कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर पे बैठी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट नीचे है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस करेगी और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगी, ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में जो सिस्टम बनाया गया वो ऐसा है कि जिस तरीके से सेंटर पर प्रेसिडेंट है और नीचे प्राइम मिनिस्टर है, उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर है और नीचे यहां पर चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसा फंडा फॉलो किया गया यहां पर, यानी कि दोनों एक दूसरे के मिलकर सप्लीमेंट्री काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर बैठ जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा हम ही हम है तो हम ही हम है, बस हम ही हम है और तुमको जो करना है कर लो, हम यही करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कहने का मतलब यह कि दोनों अलग अलग सिस्टम है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से इलेक्शन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से इलेक्शन होते हैं, तो दोनों के सर पर कौन है, वो है जनता। तो जनता जनार्दन के लिए फायदा होना चाहिए, ना कि अपना जो मुद्दा साधने के लिए फायदा होना चाहिए। तो उसी के चलते अभी बात की जाए तो यहां पर ये बताया गया है कि अभी अगर बात करें संविधान के अंदर, तो जो जो भी यहां पर अभी सेंटर के द्वारा डिसीजन लिए जा रहे हैं वो यहां पर अपनी एक तरीके से नहीं पावर शो करने की कोशिश की जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो जो झटपटाता नहीं है तब इस तरीके से, तो सेंटर वो सारी झटपटाहट में ऐसे ऐसे स्टेप उठा रहा है कि काफी सारा क्रिटिसिज्म अभी उसको झेलना पड़ रहा है। बात क्या की जाए यहां पर, अभी देखिए अगर बात करें जैसे अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, अगर वो काम करता है तो किसके अंदर काम करेगा, तो नॉर्मली स्टेट कैडर के अंदर काम करेगा, तो उसका बॉस कौन हो गया, बॉस हो गया चीफ मिनिस्टर। अब जैसे चीफ मिनिस्टर बोलेगा वैसे ही काम करेगा ना, अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पर एक तरीके से वो यहां पर चीफ मिनिस्टर कुछ बोल रहा है और वो कुछ कर रहा है, तो इस तरीके से यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पर लेकिन हां ये भी है कि कुछ एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ढंग से काम करना चाहिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से। कोई मीटिंग अगर सेंटर के द्वारा बुलाई गई है तो नेसेसरी है कि यहां पर जाकर बात की जाए, ढंग से बात की जाए, ऐसा नहीं कि स्टेट दादागिरी दिखाएगा वहां पर चलकर, नहीं मन करेगा तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे और बीच में से मीटिंग में से उठ के चले जाएंगे, तो ये भी एक गलत चीज है, इसको भी यहां पर अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। एक बैलेंस बनाकर चलना है अगर रियलिटी में, तो अभी क्या हुआ यहां पर वो समझिए आप लोग। यहां पर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई 28 मई को, साइक्लोन जो अभी यास साइक्लोन है ना, यहाँ पर यास साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया बताइए, तो जरा रिवीजन कर लीजिए, काफी हो गया, भूल गए होंगे आप लोग किसके द्वारा दिया गया, इसका मतलब क्या है। तो वेस्ट बंगाल के बारे में अगर बात कीजिए, वेस्ट बंगाल में यास साइक्लोन को लेकर यहाँ पर ये मीटिंग कंडक्ट कराएगी। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे, यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है, इनके द्वारा मीटिंग में से ये जैसे चीफ मिनिस्टर निकलकर चली, तो ये भी मीटिंग में से निकल रही है चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है। तो साइक्लोन अफेक्टेड एरिया के बारे में बात की जा रही थी, तो ममता बनर्जी जी को उनको वहां पर घूमने जाना था, उनको एनालाइज करने जाना था एरिया को, तो इनके द्वारा
द्वारा मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया गया। तो यहां पर जो मीटिंग छोड़ दी गई, तो यहां पर चीफ मिनिस्टर तो जा सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा काम यहां पर जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, प्लानिंग कमीशन के अंदर मोदी जी के द्वारा भी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली, ठीक है, वो नहीं मानते थे प्लानिंग कमीशन को, इसलिए आते सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को साइड में लगाया और नीति आयोग लेकर आ गए। तो चीफ मिनिस्टर ये आराम से काम ऐसा कुछ कर सकते हैं। पहले जो जयललिता जी भी कई बार प्लानिंग कमीशन की मीटिंग छोड़कर भाग जाती थी, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलता है, उनको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा है उस मीटिंग से, तो क्या फायदा है, टाइम नहीं दिया जा रहा बोलने के लिए, तो क्या फायदा है, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसके चलते अब कंडीशन यहां पर यह कि जो अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर डिजास्टर आ गया, कहीं पर कोई बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, सब डिविजनल जो तहसील के लेवल पर, गांव के लेवल पर काम किए जाएंगे, और ये सारे किसके अंडर काम करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहां पर काम करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर एक तरीके से काम करते हैं नॉर्मली देखा जाए डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, पर लेकिन अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ से बात करें, पैसा किसके पास से आता है, टेक्निकल सपोर्ट या लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से मिलती है, वो सारी सेंटर के हाथ में है। यानी कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप लोग बात करिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा दोनों को मिलकर, पैसा आएगा सेंटर से और वहां से जो टेक्नोलॉजी या फिर सपोर्ट जो यहां पर अपनी आर्मी हो गई, नेवी या फिर जो भी पैरामिलिट्री फोर्स की सपोर्ट आनी है वहां से आएगी, पर लेकिन मैनेज किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही। ये एक रिपोर्ट है यहां पर बेसिकली इसके बारे में, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ये मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, या फिर इसको लिंक को कॉपी कर गूगल में डालकर भी आप लोग इसको खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है आप लोगों का, उसके अंदर ही आप लोग काफी फायदा पहुंचाएगा। तो यहां पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया पर जो मैनेज करने की बात की जाती है प्रॉपर वे में डिजास्टर को, तो यहां पर जो रिसेंटली फॉर्मर जो चीफ जो सेक्रेटरी थे यहां पर वेस्ट बंगाल के, तो यहां पर इनके खिलाफ अभी यहां पर आरोप ये लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत जो सेक्शन 51 है उसके चलते यहां पर जो इनके द्वारा मीटिंग छोड़ी गई वो पार्टिसिपेट नहीं किया गया मीटिंग में, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है यहां पर, और इसी को यहां पर ये एक्शन लेने के पीछे पड़ गए। देखिए अभी अगर बात की जाए, पहले यहां पर जो नॉर्मली चीफ मिनिस्टर का तो ये कुछ कर नहीं पाए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले तो इनके द्वारा इनको डेप्यूटेशन पे बुलाने की कोशिश की गई, तो डेप्यूटेशन पे जाने से अच्छा इनके द्वारा खास कोशिश क्या की गई, डेप्यूटेशन पे नहीं जाऊंगा अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा, तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डेप्यूटेशन पर ये बुलाया जा रहा था, तो नॉर्मली स्टेट कैडर में से डेप्यूटेशन पर जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में काम करने के लिए, तो ये ऐसा होता है कि एक तरीके से कुछ अपना जो स्टेट कैडर है उसको छोड़कर कुछ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे यहां पर होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट जारी करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है, फिर यहां पर डेप्यूटेशन पर जाते हैं, पर लेकिन अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में रस्साकसी हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई इसके इसके मुद्दे के बारे में, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, नॉर्मली आईएएस ऑफिसर जो क्या होता है यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर अपॉइंट करते हैं, पर लेकिन स्टेट के अंदर कैडर के जाकर काम करते हैं, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एक तरीके से बॉस होते हैं यहां पर एक आईएएस ऑफिसर के। तो यहां पर जो सारा काम किया जाता है उपाय यहां पर जो सेक्रेटरी साहब थे इनके द्वारा वो सारा अपने बॉस के हिसाब से काम किया जाता, तो उनके हिसाब से चीजें चल रही थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस बॉस का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, यहां पर सेक्रेटरी के पीछे लग गई है, तो सेक्रेटरी को बुलाया गया डेप्यूटेशन पर बिना राज्य की परमिशन के, तो उसके चलते इनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया। अब वहां से तो पीछा छूट गया, अब वहां से काम नहीं चला, तो फिर देखा कि अब दूसरी जगह कहां पर पकड़ सकते हैं इसको, तो फिर यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर आ गए। तो राइटर ये कह रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर के पीछे इतना पड़ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अपनी गरिमा भी भूल गई है, तो कितने हद तक ये सही है कि इस तरीके से बिल्कुल सारी चीजें भूलकर एक पर्टिकुलर आईएएस के पीछे इस तरीके से लग जाना, तो ये सही है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पर्टिकुलर एक अगर बात करें फेडरल सिस्टम में संघवाद के ढांचे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम लोग करते हैं, तो क्या वहां पर सही है चीजें, तो वो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो अभी हुआ क्या, यहां पर डेप्यूटेशन वाला जो फंडा काम नहीं किया यहां पर, तो ये उसी दिन अपने आप को रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने कि मुझे नहीं जाना डेप्यूटेशन पर। तो इसके चलते यहां पर कई सारे कमेंटेटर के द्वारा ये बोला गया कि ये जो आगे चलकर जो चीजें पहुंच रही है ये अब यहां से आगे अब चीजें पहुंच रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ माना ही नहीं जा रहा है, उसके ऑफिसर को इस तरीके से यहां पर सेंट्रल मनमानी करके ये इस तरीके एक्टिविटी ले रहा है। कंसल्ट करना चाहिए नॉर्मली स्टेट के साथ में, सेंटर के साथ में, वो अलग बात है कि सेंटर को ज्यादा पावर है, पर लेकिन इस तरीके से नहीं चलनी चाहिए चीजें। तो वहां पर काम नहीं चला, तो इनके द्वारा क्या किया गया, सेक्शन 51 जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अब तक यहां पर यूज किया गया 2020 में, अब यहां पर उसको इन्वोक कर दिया गया कि यहां पर इनके द्वारा ये काम नहीं किया गया। उसमें क्या बातें की जा रही है, क्या कर सकते हैं यहां पर, ये क्या कर सकते हैं इसके साथ में, तो आईएएस को एक साल की यहां पर जेल कर सकते हैं और फाइन लगा सकते हैं, या फिर दोनों भी लगा सकते हैं अगर इस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से पनिश किया जाए, और अगर किसी की डेथ हो गई यहां पर तो यहां पर 2 साल तक की सजा हो सकती है और जो पनिशमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। पर लेकिन क्या वो बच सकता है आईएएस ऑफिसर, जी हां, अगर उसके पास में वैलिड रीजन है, यानी कि कोई रीजन है प्रॉपर और जो भी है लॉ के हिसाब से एक्सक्यूज जो है वो वैलिड बैठ रहा है, तो ये बच सकता है यहां पर, ये भी है। तो पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर एक तरीके से बिना बहाना बनाकर, तो एक तरीके से ये चीजें हैं। पर लेकिन जो घुमा फिराकर बातें वो बोली गई है कि यार जो यहां पर जो बंदोपाध्याय साहब जो भी काम यहां पर कर रहे थे
वो अपने जो चीफ मिनिस्टर थे उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हैं उनके हिसाब से काम कर रहे थे, तो वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। एक तरीके से देखा जाए ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक तरीके से बात की जाए तो जो अपना उसका सुपीरियर जो है वो किसके अंडर रहेगा, वो चीफ मिनिस्टर रहेगा। कल को अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जाकर कुछ करने लगे तो फिर आप लोग उंगली उठाने लगे चीफ मिनिस्टर की नहीं मानी, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को इस तरीके से परेशान करने का, क्योंकि वो अपने बॉस के हिसाब से काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बॉस है उसका, उसके हिसाब से काम कर रहा है। कल को नहीं काम करेगा तो आप लोग बोलेंगे इनडिसिप्लिन एक्शन लिए जाए इसके खिलाफ, ठीक है, उस तरीके से आप लोग पकड़ोगे सामने वाले को। तो ये कितने हद तक सही है इस तरीके की चीजें, और अभी कितनी बड़ी पार्टी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर काम कर रही है, एक दूरदर्शिता और ज्ञान का उदाहरण देना चाहिए था। एक आईएएस के पीछे लग गए नहा धोकर उसको इस तरीके से परेशान करने के लिए, तो ये क्या कितने हद तक सही है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो ये कई सारी बातें यहां पर बताई गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, तो यानी कि ये अब सोचने वाली बात है। तो अगर आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जाते हैं तो ऐसा भी कोई फंडा फंस सकता है, ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक और आर्टिकल यहां पर इसी के साथ में कनेक्टेड करके है, उसमें क्या बात की जा रही है, उसमें यहां पर बेसिकली ममता बनर्जी जी के द्वारा आह्वान किया गया उन राज्य से जहां पर बीजेपी की पार्टी नहीं है पावर में, उनको यह बोला गया कि आओ मिलकर यहां पर किसानों को सपोर्ट करेंगे। तो किसान जो है वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पर दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, तो यहां पर उनको सपोर्ट करने की बात यहां पर की जा रही है, जो कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, खास नॉन पॉलिटिकल नहीं सॉरी जो नॉन बीजेपी पार्टी है उनके द्वारा, ताकि यहां पर किसानों के प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाया जा सके, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको कोई बातें नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे, तो उसके चलते यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो कई सारे राज्य तो ऐसे जो खुलकर सामने आ गए, जैसे कि आप लोग बात कर लिए केरला से, बात कर लिए तमिलनाडु से, बात कर लिए, पर लेकिन कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जो कि खुलकर सामने नहीं आ रहे, जिनको ये लग रहा है कि आगे सेंटर से कोई ना कोई काम पड़ सकता है, तो ऐसी भी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो ये उसके बारे में बात की जा रही है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो फंड है उसमें ये है कि मिलकर काम किया जाए, सेंटर और स्टेट को जहां पर दोनों के बीच में कोई दिक्कत है उसका सोल्यूशन निकाला जाए, एक दूसरे के साथ में लड़ना कहां तक सोल्यूशन है, तो वो एक समझने वाली बात थोड़ी हो जाती है यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर बातें बताई गई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भैया थोड़ा याद रखिएगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी अगर बात करें ये द फैमिली मैन सीरीज आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पर, तो ये एक एजेंट रहते हैं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं ताकि सारी चीजें नॉर्मल चलती रहे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंज किए गए, उसके चलते यहां पर न्यूज में आ गई है चीजें। हुआ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अभी यहां पर उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया गया पेंशन रूल। पेंशन रूल का मतलब क्या है, जैसे यहां पर ये, जैसे यहां पर अगर बात करें ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी अगर रिटायर होती है कल को अपनी पोस्ट से, तो यहां पर इनको पेंशन मिलेगी। तो पेंशन मिलेगी उसके अंदर रूल डाले गए कि कल को चलकर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर है यहां पर, ये कोई भी अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर रिवील नहीं करेंगे। तो यहां पर जो रूल 8 है वो इसके बारे में बात करते हैं, अगर बाहर रिवील करेंगे तो पेंशन को रोका जा सकता है और भी कई सारे स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि यहां पर जो सिविल, जो सेंट्रल सिविल सर्विस है यहां पर पेंशन रूल 1972 के, ये कई बार अमेंड भी किए जा चुके हैं ताकि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर के, जो भी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और वो पब्लिक में जाके कुछ भी बातें ना बोले, क्योंकि इससे हमारी कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो क्या क्या होगा उसके बारे में समझेंगे अभी। तो सेंट्रल सिविल जो रूल, पेंशन अमेंडमेंट रूल है, वो 2020 में भी लाए गए, पहली बार ड्राफ्ट किया गया था इनका तैयार 1972 में, और 47 टाइम इनको चेंज किया जा चुका है, यानी कि 47 बार इनके अंदर अमेंडमेंट किया जा चुका है अब तक 1992 से लेके अब तक का, ताकि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो ऑफिसर हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और यहां पर एक तरीके से उनको एक गुड कंडक्ट में रखा जाए ताकि आगे चलकर दिक्कत न देखने को मिले। दिक्कत क्या हो सकती है, मान लीजिए कोई ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन की वजह से कोई दिक्कतें देखने को मिली और पब्लिक में उसके बारे में बता दिया, तो सोवरेनिटी को हर्ट हो सकता है, देश की इंटीग्रिटी को हर्ट हो सकता है, सिक्योरिटी को हर्ट हो सकता है, स्ट्रेटजिक रिलेशन किसी के साथ बिगड़ सकते हैं, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है देश के उसमें नुकसान हो सकता है, फॉरेन कंट्री के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें यहां से हमारी सोसाइटी में एक वो नहीं कहते कि एक रोष भी देखने को मिल सकता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आ सकते हैं। तो अमेंडमेंट रूल जो यहां पर है 8वां, यहां पर अगर बात करें तो ये पेंशन भी विदहेल्ड की जा सकती है और इसी के साथ में विड्रॉ की जा सकती है अगर वो रूल फॉलो नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह कि एक तरीका प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है इंटेलिजेंस ऑफिसर के बाद में कि रिटायरमेंट होने के बाद में, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते घूम रहे हैं, अपनी किताबें लिखते घूम रहे हैं और सारी अंदर की बातें रिवील कर दी। तो ये बेसिकली यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। पर लेकिन आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल में कुछ बातें ऐसी बताई जा रही है कि देखिए हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को काफी ज्यादा सिक्योर रखना होता है, सही है वो आप लोग सिक्योर रख सकते हैं, पर लेकिन वो 20% ही है, 80% बातें ऐसे हैं आप लोग जिनको बता सकते हैं और वो अवेयरनेस का काम करेगी उनको आप लोग बता सकते हैं, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है वो ये चाह रही है कि 100% चीजों में से एक भी पब्लिक के सामने न आए। आप लोग ये सोचिए 1962 की वॉर में कुछ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, अगर उस टाइम पर सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड कुछ बातें थी अगर वो पब्लिक में आ रही है तो वो आज की डेट में एक एनालिसिस का काम करेगी, आगे चलकर इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा
तो एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल के लाया जा सकता है। कई सारी ऐसी रिपोर्टें पुरानी पुरानी जो टाइम टू टाइम पब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा भी इवन, और यूएसए के अंदर भी कई बार ऐसी सिचुएशन है कि यहां पर उनकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो ये जनता के अंदर बातें आनी तो चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बैठा रखी है उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या काम कर रही है। तो कहने का मतलब यह कि 20% जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है उसको आप लोग रोक सकते हैं, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग जनता में लेकर आ सकते हैं। आप लोग इस तरीके से उसको कंप्लीटली रोक देना वो सही नहीं है। यहां पर टॉप सीक्रेट जो फाइल है कई सारी ऐसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है दूसरी आकर उसको रिलीज कर देती है, पहली ने रिलीज नहीं कर रखी है। जैसे अभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी फाइल थी जो कांग्रेस के द्वारा रिलीज नहीं की गई, बीजेपी ने आके रिलीज कर दी। तो वो सारी बातें यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। जब ऑलरेडी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है हमारी कंट्री में 1923 का, उसके हिसाब से अगर बात कीजिए तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि लगभग 80% की चीज जो है वो शेयर की जा सकती है और की भी जा रही है। तो आप लोग उनको मत रोकिए कोई ऑफिशियल अगर आकर कुछ ऐसी बातें करता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। तो यानी कि जैसे कि यहां पर बात नहीं की जा रही है किस तरीके से यहां पर क्या इनको आगे चलकर क्या काम करना चाहिए, तो कितना जरूरी है वो यहां पर ये बता सकते हैं। तो अमेंडमेंट जो रूल है इसके अंदर यहां पर ऐसा भी है कि आरटीआई के अंदर कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी के बारे में आप लोग पूछेंगे तो आरटीआई के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्म 26 यहां पर साइन किया जाता है कि आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन लानी है। इवन अगर कोई डोमेन अगर यहां पर बात करें डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई आप लोगों को बातें करनी है तो वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर जो यहां पर परमिशन टाइप ऑफ एक तरीके से और समझना पड़ेगा कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बतानी है और कितनी नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से यहां पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था यहाँ पर, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। किसी ने देखी है द फैमिली मैन? अब तक देखिए किसी ने द फैमिली मैन जो सीरीज अभी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। आगे बात करें यहाँ पर, इसके पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ग्लोबल पावर शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम द ग्रोइंग जो थ्रेट अभी देखने को मिल रही है इस्लामिस्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो यहाँ पर अभी इस्लामिस्ट जो फोबिया देखने को मिल रहा है इसके चलते जो यहाँ पर ये टेररिज्म फैलाया जा रहा है इस्लाम के नाम पर, तो जो आज के डेट में जो ग्लोबल पावर है उनको इससे दूर नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है इसके बारे में समझेंगे। मेनली बात किसके बारे में की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर साहेल रीजन के बारे में। ये जो रीजन है यहां पर आपको इसके अंदर 10 के करीब कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर बात करें यहां पर जो बेसिकली ये वाला रीजन है जैसे कि माली हो गया, नाइजर हो गया, चैड हो गया, सुडान हो गया, ये बड़ी बड़ी कंट्री है और भी छोटी छोटी भी कंट्री कई सारी है, तो टोटल मिलाकर 10 के करीब कंट्री है। पर लेकिन ये ऐसा रीजन है जहां पर काफी ज्यादा भुखमरी, काफी ज्यादा गरीबी, यहां पर काफी एजुकेशन का लेवल लो आप लोगों को नजर आएगा। तो इस रीजन में लोगों को गुमराह कर उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों से उल्टी सीधी हरकतें कराई जा सकती हैं। तो इसकी वजह से अभी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। पहले क्या था यहां पर, ये सीरिया और इराक के अंदर ये सारी चीजें चला करती थी। अब यहां से हटकर यहां पर ये पर्टिकुलर जो रीजन यहां पर हुआ करता था, तो यहां से हटकर इस पर्टिकुलर रीजन से अब चीजें जो है यहां पर ये इस पर्टिकुलर रीजन में पहुंच गई है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसलिए देखने को मिल रहा है यहां पर यूएसए के द्वारा, यहां पर रशिया के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, नेटो ग्रुप के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर जो इस्लामिक स्टेट है उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो उनके चुने हुए नुमाइंदे कुछ इधर उधर हो गए यहां से, तो आज के में ये प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, साहेल वाले रीजन में बोला गया है। अभी 160 के करीब लोगों की जान चलेगी बुर्केना फेसो वाला जो रीजन था यहां पर, ये ठीक है। तो यहां पर अगर बात करिए तो इस पर्टिकुलर रीजन में 160 के करीब लोगों की जान चलेगी जो कि यहां पर साहेल वाले रीजन में जो इस्लामिक टेररिज्म ये देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, तो ये सहारा वाला रीजन जिसको सहारन अफ्रीका नाम बोलते हैं आप लोग यहां पर, तो इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई सारी अथॉरिटी के द्वारा बोला गया कि टेररिस्ट एक्टिविटी टाइम टू टाइम देखने को मिलती है और बुर्केना फेसो में यहां पर फर्स्ट टाइम 2015 में ऐसे अटैक देखने को मिले। अभी नाइजर और माली वाले रीजन में भी आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये वाले रीजन में भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि आज की डेट में कई सारे अटैक किए जा रहे हैं। अभी मार्च के महीने में भी यहां पर जो बुर्केना फेसो के अंदर अटैक किया गया तो 137 के करीब लोगों की जान चली गई। अभी यहां पर 160 के करीब लोगों की जान चली गई। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर यहां पर अटैक किए जा रहे हैं। नाइजीरिया के अंदर 27 लोगों की जान चली गई, ठीक है। माली के अंदर भी यहां पर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप अभी पनप रहे हैं। तो मेन जो आउटफुट है यहां पर जो वो कौन है, मेन जो आउटफुट है ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पर इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, इसी के साथ में इस्लामिक जो स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस, यहां पर बात करें जमात नसार अल इस्लाम, ये है मुस्लिम, ठीक है। इसी के साथ में लोकल अलकायदा जो माली के अंदर, और बुरकाना जो यहां पर बोको हरम। तो ये कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये बच्चे हैं किसके, ये बच्चे हैं यहाँ पर जो ISI के, जो आज के दिन में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर अपना अपना साम्राज्य फैलाकर बैठ गए। तो इसके बारे में बात करनी पड़ेगी उन कंट्री को जो आज के दिन में इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि जो रीजन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसको इग्नोर करें, ये और ज्यादा ऐसा यहाँ पर दिक्कत वाला रीजन बन जाए और फिर आप लोग इनको कंट्रोल न कर पाए। तो जो आज की डेट में बात करें तो अलायंस जो मिलाकर ये काम कर रहे हैं कुछ एरिया में तो एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, पर लेकिन कई सारे एरिया में जैसे बुर्केना, यहाँ पर माली, नाइजर, तो इनमें मिलकर ये काम करें एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो
कई सारे लोगों को मारे जा रहे हैं, कई जगह अपने आपस में भी लड़ रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसके चलते हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फ्रांस के द्वारा हालांकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए गए यूएसए की हेल्प से, जो ड्रोन बेस यहाँ पर नाइजर के अंदर में, पर लेकिन रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कई बार ऐसा होता है जैसे अभी यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर, जैसे यहाँ पर रिजीम चेंज होता है, गवर्नमेंट दूसरी आती है, तो फिर क्या दिक्कत देखने को मिलती है, तो वहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग डिसीजन रहते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि अफगानिस्तान से तुरंत निकल लिया जाए, पर लेकिन जो बाइडन जो है वो थोड़ा सा तसल्ली कर आराम आराम से निकल रहे हैं, तो अलग अलग कंडीशन रहती है। तो पास्ट में नेटो मेंबर के द्वारा हरकतें की गई जब यहां पर बेसिकली पर्टिकुलर एरिया में, जिसको लीबिया आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर मुअम्मार गद्दाफी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो गद्दाफी को हटाएगा। तो ये एक ऐसा इंसान था जो यहां पर मिलिटिया जिहादिस्ट ग्रुप को काफी कंट्रोल करके यहां पर रखता था, पर लेकिन जब से यहां पर इसको मारा गया, अभी यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में काफी ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। जो तालिबान, जिसको आप लोग अफगानिस्तान के अंदर बोलते हैं, काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये वही तालिबान है जो यूएसए के द्वारा सपोर्ट कर बनाया गया था यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। तो यूएसएसआर तो अफगानिस्तान से चला गया, अब तालिबान पावर में आकर बैठ गया, तो दूध पिलाया सांप को और सांप ने फिर वापस डस लिया। तो ये वाली कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो यहां पर देखने को मिली। तो ये जरूरी है कि इसको हम लोग समझें। लीबिया के बारे में अगर बात करें वहां पर, तो उसके अंदर ऐसे यहां पर फिर क्या हुआ, यहां पर अनार्की आ गई, अनार्की देखने को मिली, सिविल वॉर देखने को मिली, जिहादिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, यानी कि कोई पावर में तो था नहीं, गद्दाफी था जो उसको मारकर भगा दिया, उसको मार दिया एक तरीके से। तो फिर क्या देखने को मिला, फिर यहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली। अगर बात करें माली, जो बात करें यहां पर माली फ्रांस के द्वारा, अगर बात करें ट्रबल जो है काफी लार्ज स्केल पर पड़ रहे हैं, जब 2013 से जो इंटरवीन किया गया, अभी यहां पर इंसर्जेंसी को डिफीट ही नहीं कर पा रहे यहां पर, और ये और लार्ज स्केल पर फैलते जा रहे हैं। जिहादिस्ट जो है आज के में सेफ हेवन उनको मिल चुका है साहेल वाले रीजन के में, और यहां पर ये इस्लामिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया था यहां पर सीरिया और इराक के अंदर में, अब वो ढांचा ये साहेल वाले रीजन में डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। तो अफ्रीका के अंदर आगे चलकर यहां पर सीरिया और इराक वाली कंडीशन बन सकती है। तो यहां पर जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको यहां पर वॉर्न करना चाहिए, अभी चीजों को देखना चाहिए कि आगे चलकर सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। अगर ये सिचुएशन अभी कंट्रोल नहीं करके तो बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी अफ्रीकन रीजन के अंदर, और फिर आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यूएन को भी मिलकर काम करना चाहिए साहेल रीजन के अंदर में, इसी के साथ में स्टेबल गवर्नमेंट यहां पर आनी चाहिए, सस्टेनेबल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी यहां पर आनी चाहिए, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। जब तक टाइम है तो सुधर जाओ, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल इसके बारे में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। बाकी बात करें इसके बारे में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, और मैंने बोला था कि एक आर्टिकल भी आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, तो वो आर्टिकल में जो बातें की जा रही है कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर तो इसका सी हो गया यहां पर, ये 2050 तक का टारगेट है यहां पर। ठीक है, तो आंसर तो सी हो गया यहां पर। ठीक है, अभी बात की जा रही है इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है यहां पर, उसके द्वारा रिलीज की गई नेट जीरो एमिशन रोड मैप, जिसमें नेट जीरो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जीरो करने की बात की गई 2050 तक का। वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ये एक रोड मैप सामने निकल कर आया। तो इसमें कई सारी बातें, कई सारी प्लेज ली जा रही है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जीरो करना है, और दूसरा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम करके रखना है। तो जो आर्टिकल है उसमें यही बोला गया है कि ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को लेकर चलनी पड़ेगी, वरना कई सारी जूनोटिक बीमारी सामने निकल कर आ रही है, यानी कि एक तरीके से जूनोटिक बीमारी सामने निकल कर आ रही है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो बीमारी जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों में फैलती है। तो क्लाइमेट चेंज और जो डैमेज किया जा रहा है यहां पर इन्वायरमेंट को, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मिलकर काम करना चाहिए इस तरीके से, और एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको किस तरीके से आप लोग और अच्छे से प्रोडक्टिव रख सकते हैं। हमारी कंट्री में बोला गया था कि हाँ एग्रीकल्चर जो लैंड है जैसे इंडिया के अंदर रिस्टोर करने की बात की गई थी। ठीक है, 2019 में बोला गया कि हम लोग लगभग 21 से लेकर 26 मिलियन जो एग्रीकल्चर लैंड है 2030 तक का उसको एक अच्छी लैंड बनाएंगे। तो ये सारा कार्बन ऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है यहां पर वो चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वरना एनवायरनमेंट के साथ में अगर एक बैलेंस बनाकर आप लोग नहीं चलेंगे तो आगे कोविड-19 और इसके साथ में फिर सीविड-19 फिर पीविड-19 फिर कोविड-19 पता नहीं क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो दुनिया भर की जूनोटिक बीमारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो इसलिए सुधर जाइए वरना ये बीमारी सुधार देगी, ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये था टोटल डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, आप लोग यहां पर मिल जाएगी। और सॉरी यार, कल आप लोगों को बोला था मैंने कि मई मंथ की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो हमारी जो वीडियो थी उसकी मैं आज शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला इसके चलते थोड़ा, ठीक है, तो आज शाम तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल ही जाती है टेलीग्राम के अंदर, तो आप लोग देख लीजिएगा यहां पर। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, अगर मैंने बोला ना कि आप लोग अगर पेड़ लगा रहे हैं तो #SLVFarmingFamilyPlantingTree, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं यहां पर SLV Army बोला मैंने वहां पर SLV Army Planting Tree, आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर।
और इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो अभी टाइम ड्यूरेशन चल रहा है यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये पेड़ लगाने का एक काफी अच्छा टाइम है। आप लोग अच्छे से पेड़ लगाइए और एक दूसरे की हेल्प भी करते रहिए जिसको जरूरत है थोड़ा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान भी रखिए, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे तो जरूर बताइएगा, एक फीडबैक के तौर पर यहाँ पर है, और डिसलाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद नहीं आया तो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।